गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो तरह के ज़बरदस्त मोबाइल बैक कवर जो कि ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन के साथ में आते हैं। जनरली जब भी हम मोबाइल के कवर लेते हैं, कुछ इस तरह का कवर लेते हैं, ये रबर का कवर होता है। मैंने पिछले वीडियो में इस तरह के कई सारे अलग अलग रबर के कवर आपको बताए, वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होता क्या है कि ये जो रबर के कवर होते हैं गाइज, इनका जो प्रोटेक्शन है, जो सेफ्टी है, वो तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आपके मोबाइल की जो भी ब्यूटी है, जो सुंदरता है, देखिए आपके मोबाइल को ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, उसको ढक देता है। तो पीछे का कलर आपने कितना ही केयरफुली चूज क्यों ना किया हो, आपका जो रबर का बैक कवर है ये इसको खा जाता है, नष्ट कर देता है। तो दो मैंने अलग अलग जो है ट्रांसपेरेंट वाले बैक कवर खरीदे हैं, अमेजोन से खरीदे हैं। दोनों भी कवर्स के जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके जो है देख लेते हैं। ये पहला कवर मैंने मंगाया है और ये जो है फुल ट्रांसपेरेंसी में आता है। देखिए यहाँ पे ग्लास होता है, एक्चुअली ये कांच नहीं है, एक्रेलिक है। और फ़ोन के ऊपर लगा के देखते हैं कि जो इसका लुक है वो किस तरह से आता है। तो ये मेरा टेक्नो का स्पार्क 70 है, रिव्यू अगेन आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बजट कैटेगरी में काफ़ी अच्छा फ़ोन है और काफ़ी अच्छे से अभी भी मेरे पास में चल रहा है। तो ये जो है लुक आप देख लीजिए फ़ोन का, कुछ इस तरह से आएगा। पन्नी निकाल लेते हैं इसकी, ये देखिए जी पन्नी जो है हमने निकाल दी। अब इसमें होता क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन के पीछे जो भी टेक्सचर है, जैसे इसमें ये मेटालिक फिनिश है, जो कलर है, ये 100% विजिबल रहता है, आपको दिखाई देता है। कैमरे के कटआउट मिल जाते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का कटआउट मिल जाता है, आपके डेटा ट्रांसफ़र एंड चार्जिंग पोर्ट्स, 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, मतलब सारे कटआउट जो है अपनी जगह पर बराबर है। आपका फ़ोन जो है दिखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है। एक बार फ्लैश ऑफ करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है और फ्रंट से जो लुक है वो इस तरह से आता है। अब इस तरह के जो बैक कवर होते हैं गाइस, उसमें कुछ लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर ये जो बैक कवर होते हैं ये फुल ट्रांसपेरेंसी वाले होते हैं, लेकिन कुछ महीने यूज़ करने के बाद में ये जो एक्रिलिक है इसमें स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर मैं मेरा दूसरा फ़ोन दिखा देता हूँ, ये सैमसंग का M21 है और इसके अंदर ये जो फुल्ली ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, देखिए इसको मैंने 6-8 महीने पहले जो है परचेज किया था, तो ऐसा खास कुछ भी स्क्रैचेस का प्रॉब्लम मुझे तो नहीं आया है। हालांकि अगर आपका जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है, मतलब बहुत आप ट्रैवल करते हैं, बाइक पे जाते हैं, फ़ोन गिरता है आपका बार बार, तो हो सकता है कि ये जो फुल ट्रांसपेरेंसी वाला जो बैक कवर है इसमें आपको स्क्रैचेस आ जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है यहाँ पे। तो मैंने एक और जो है बैक कवर मंगाया है, आइए आपको इसको भी अनबॉक्स करके बता देता हूँ। और ये जो बैक कवर है गाइज, ये देखिए ये कमाल का है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, मतलब पीछे ट्रांसपेरेंसी तो है लेकिन इसको एक स्मोक ब्लैक फिनिश दे दिया है। तो आइए इसको भी हम लगा के देख लेते हैं कि लुक जो है वो किस तरह से आता है। तो ये फुल ट्रांसपेरेंसी वाला ये रहा और ये रहा सेमी ट्रांसपेरेंट बैक कवर। तो लुक जो है इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त है, आप देख लीजिए स्मोक ब्लैक फिनिश है, लेकिन थोड़ा सा आपका जो पीछे का जो कलर है उसको ये डल कर देता है, हालांकि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगेन आपको यहाँ पे जो सेंसर है उसका कटआउट मिल जाएगा, कैमरे का मिल जाएगा, आपके पोर्ट्स वगैरह सब सही जगह पे हैं। तो आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, दोनों भी मैंने आपको वेराइटी बता दी, एक ये जो है ये फुल ट्रांसपेरेंट है और एक जो है ये स्मोक वाला सेमी ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट बैक कवर है। दोनों भी बैक कवर के बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।